देखेंगे आज की खास खबर। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज ने अपना ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जिला छतरपुर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज ने अपना ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छतरपुर जिले के जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की वायरल वीडियो ने कोरोना मरीज की भर्ती होने की जगह की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है, जिसे देखकर प्रशासन भी हरकत में आया और आनन फानन में कलेक्टर शैलन सिंह ने सिविल सर्जन आर एस त्रिपाठी सहित जिला चिकित्सा के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार हेतु की गई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी चिकित्सकों और मेडिकल टीम का मनोबल बढ़ाते हुए कोरोना वायरस द्वारा दिन रात एक कर कोरोना संक्रमित मरीजों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की, साथ ही व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता दिशा निर्देश दिए। ये देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, कोरोना वायरस के पेशेंट जहाँ रखे जाते हैं। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और यहाँ पे सर बहुत गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है सर। और मुझे कल 7 बजे भर्ती किया गया था 16 तारीख को, और सर कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे इतना गंदगी है, ये देखिए सर ये गंदगी है। ऐसे में हम लोगों को ठीक किया जा रहा है, ऐसे गंदगी में हम ठीक होंगे सर कि और मरेंगे? आप बता दीजिए। ये देखिए सर ये बाथरूम है, यहाँ लाइट नहीं जलती है, पानी भरा हुआ है सर। ये देखिए सर ये टॉयलेट है, इतना गंदा है, यहाँ पे कुछ चलता नहीं है, सब बंद है। और बोलते हैं कि आप ऐसे में ठीक हो गए और डॉक्टर एक भी देखने नहीं आ रहे हैं। और ये एक पेशेंट है, इनका नाम नहीं पता है, ये कल से बेचारे लेटे हुए हैं और हम इनको देख रहे हैं कि इनको कोई पूछने भी नहीं आए, आप ठीक हो, जिंदा हो कि मर जाओगे, ये ऐसे ही लेटे हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गया, कोई पूछने नहीं वाला। मुझे तो लगता है ये ऐसे ही रहेंगे तो मर भी सकते हैं।